गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज वीडियो इट्स फॉर क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश से पढ़ेंगे लेसन 14 जिसका टाइटल है द एंजल ऑफ पीस मींस होता है शांति का दूत। इसका पार्ट 1 हम पढ़ेंगे, तो चलिए बुक पर ध्यान देंगे सभी। इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज मैरी एटमॉस्फेयर ऑल राउंड। क्रिसमस का समय था और चारों तरफ खुशियों का माहौल था। बट द चैरिटी होम विच यूज्ड टू अरेंज क्रिसमस पार्टी एवरी ईयर फॉर द चिल्ड्रन। लेकिन दानगृह जो प्रतिवर्ष बच्चों के लिए क्रिसमस पार्टी की व्यवस्था करते थे वॉज पासिंग थ्रू ए स्टेट ऑफ क्राइसिस। इस बार बहुत ही परेशानियों से गुजर रही थी। इट सीम्ड दैट देयर वुड नॉट बी एनी पार्टी दैट ईयर एंड द चिल्ड्रन वुड मिस द स्पेशल फूड ऑन द ओकेशन। तो परेशानियों से गुजर रही थी, इस बार ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बी एनी पार्टी दैट ईयर, इस वर्ष कोई भी उत्सव नहीं होगा। द चिल्ड्रन वुड मिस द स्पेशल फूड ऑन दैट ओकेशन, और ऐसे अवसर पर बच्चे जो है विशेष भोजन को खो देंगे। देन सडनली ए पर्सन कैम इन एंड हैंडेड ओवर एन एनवेलप टू मदर। तभी अचानक से एक व्यक्ति आए और मदर के हाथ में एक लिफाफा सौंप दिए। ही सेड दैट मदर कुड यूज द मनी द वे शी लाइक, और उनसे कहा कि मदर आप इस धन का जैसा उपयोग करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। देयर वेयर न्यू 100 रुपीज नोट्स इन इट एट एंड दैट ईयर द चिल्ड्रन हैड द बेस्ट क्रिसमस पार्टी दैट दे एवर हैड। और उसमें 100-100 के नए नोट थे, और इस बार जो क्रिसमस की जो पार्टी थी वो बहुत ही अच्छी तरह से मनाई गई बच्चों के द्वारा। दिस हैपन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड एट टाइम्स व्हेन द डोरबेल डिड नॉट रिंग। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। व्हेन द डोरबेल डिड नॉट रिंग, लेकिन जब डोरबेल मतलब दरवाजे की घंटी जब नहीं बजी तब मदर ने क्या किए। मदर वॉज स्टिल एबल टू कलेक्ट मनी फॉर दैट ओकेशन। तो मदर ने ऐसे अवसर के लिए पैसे इकट्ठा करने की उसमें योग्यता थी, ऐसा वो करती थी। हर सिस्टम ऑफ हेल्पिंग द पुअर वॉज सिंप्लिसिटी, और गरीबों की मदद करने के लिए उनकी प्रणाली सादगीपूर्ण थी, मतलब एकदम सादगीपूर्ण ढंग से वो रहती थी। भले ही जैसे गरीबों की मदद करना है तो वो क्या है, अपने लिए वो नहीं सोचती थी कि मुझे ये पहनना है तो मुझे इतना पैसा अपने लिए बचा के रखूं, ऐसा वो कभी नहीं सोचती थी। वो अपना जीवन वो सादगीपूर्ण रूप से बिताती थी और गरीबों की वो भरपूर मदद करती थी। शी डिड वॉट वॉज पॉसिबल, वह हर संभव प्रयास करती थी। शी हैड नो आइडिया वेयर द मनी वुड कम फ्रॉम। उनके पास यह विचार नहीं था कि आज पैसा वहाँ से आ जाएगा तो हम यहाँ का काम चल जाएगा, ऐसा उनके मन में कोई भी विचार नहीं था। मतलब उनको ऐसा कोई भी विचार उनके पैसों के बारे में उनका कोई भी विचार नहीं रहता था कि यहाँ से पैसा आ सकता है। ऐसे वो जो भी करती थी वो अपने पर आश्रित होकर करती थी। बट इफ़ ए प्रोजेक्ट वॉज नीडेड द वुड गो ए हैड सेड वन एडमायरर। लेकिन यदि उनको काम की जब जरूरत होती थी तो सो वुड गो ए हैड, तो वो क्या करती थी, काम शुरू कर देती थी। और सेड वन एडमायरर, और एक प्रशंसक ने कहा है द मदर वी आर टॉकिंग अबाउट इज नन अदर देन मदर टेरेसा। मदर के बारे में हम बात कर रहे हैं, वह कोई और नहीं वह मदर टेरेसा है। हु इज नोन एज द, जिसे हम लोग लेडी ऑफ स्लम्स, द एंजल ऑफ मर्सी, द सेंट ऑफ द गटर्स, द जेंटल मदर, इन आदि ऐसे नामों से हम जानते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।